तो तब हमने खाए थे पत्थर, लेकिन अब तो हालात ठीक है बिल्कुल। लेकिन मैंने उनको ये चीज भी बोली थी उसमें, ये चीज भी थी कि अगर दो चार जो करते थे पत्थर मारते थे उनकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते ऐसा, तो वो चीज उन्होंने दिखाई नहीं, उन्होंने सिर्फ उतना उतना दिखाया जो उनको चाहिए था। टीआरपी देता ऑन कैमरा ही होता, जो होता ऑफ कैमरा कुछ नहीं होता। मतलब वो जो जय हिंद वह हिंद खड़े होकर बोल रहे थे, मैंने देखा था, तो मैं तो क्या मेरे से क्या सुनना चाहते हो कि स्क्रिप्टेड था वो? हाँ था। मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी पुलिस है। क्या बात है, उसी की वजह, क्या बात, उसी की वजह से मैं बना हूं। क्या बात है, क्योंकि जब तक मैं रैप कर रहा था तब तक इतना कुछ नहीं था, लेकिन जब ये वर्दी मैंने कमाई, जब मैंने वर्दी लाई, जब वर्दी मैंने पहनी कमाई, उसके बाद जाके मुझे इतना प्यार मिला, और एक पुलिस वाला रैपर जो इंडिया में ही है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद तो आपका केडीएम के साथ भी टाई अप हुआ, राइट? काली काली दुनाली म्यूजिक, कौन है वो? हाँ जी, कौन है वो? काली दुनाली म्यूजिक, ये कौन सा दल है भाई ये? आपने नहीं ज्वाइन किया था शायद से? स्ट्रीट से ये करते काम जो आज वो करके छोड़े हैं, ये डरते असल में और गानों में होते चोड़े हैं, ये बनते तेज अकल के दौड़ाते घोड़े हैं, थोड़े जो भी हैं उछले उनके लगने वाले। चल हाँ समझ गए। क्या बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा कल्चरल टीम है हमारी पुलिस में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा उसमें हो जाए, और मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो हो जाएगा कल्चरल, तो फिर मैं कल्चरल में चल जाऊंगा। फिर म्यूजिक को लेके मैं ज्यादा से ज्यादा, तेरे ना उस पर कमेंट आया रफ्तार का, मैंने बोला नहीं यार झूठ मत बोल, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे हर सेकंड के बाद, कमेंट्स आ रहे हैं कितने ब्लू टिक वाले थे, कितने मतलब सेलिब्रिटी थे, तो जैसे रफ्तार का आया मैंने चेक करा, और मैंने चींग मारी थी भाई उस टाइम। दुश्मन दूध मांगेगा तो उसे खीर देंगे, पर आंख उठाकर जो देखेगा उसे छील देंगे, बंदूक लेके खड़ा मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही, जैसे महाराजा हरि सिंह जी लड़े लेके शमशीर, आजा जम्मू कश्मीर खड़े हैं शूरवीर, है इंडियन आर्मी खड़ी जेके पुलिस भी। तो फिर मैंने जीवन कर दिया, मतलब अच्छा साउंड कर रहा था। इससे पहले तो मैंने बहुत भद्दा सा नाम रखा हुआ था, हंटर हंटर हंटर। तो कुछ कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई बोलता है गुड वन, ग्रेटेस्ट वन, मैं सोचता हूँ कि गॉड इज वन, लाइक जी। क्या बात है, ये नाम का मतलब मैंने पहली बार सुना। आप कौन से? मेरे से इतनी वायरल नहीं हुई है, लेकिन जो विक्रम वहाँ पे बहुत सारे व्यूज आए, फिर आरवीसीजे पेज, बहुत सारे पेज, फिर तो जितने भी मीमर्स हैं उन सब ने डाल दी वो वीडियो। जनता वाला वर्ड क्यों चुना आपने? आपको पता राइम किसके साथ करता है वो? तभी तो चुना मैंने, तभी तो चुना मैंने कि जनता से कुछ राइम करता हुआ है। शुक्र करो मैंने चूड़िया नहीं बोला। जब केस फर्नीचर हाउस में सबसे पहले सर कैसा लग रहा है मेरे साथ ऊपर से? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने बदला ये दौर, मैंने बदला माहौल, गैंगस्टर बैठी क्यों चुप सुन, वर्दी का शोर, गुंडा गर्दी का जोर, जो लगे चलाने थे जो झूठ लिख रहे गानों में वो मेरे गाने पे दे गौर, मेरे फैंस हार्डकोर, जो कल को बनेंगे रैपर्स, जो बदला लगे आज वो कल को लगेगा बेहतर। पुलिस की वर्दी पहने, अपने लफ्जों के जरिए अपने मुंह से गोलियां चलाने वाले सुपर बॉय जीवन उर्फ पुलिस वाला रैपर एक खास शख्स हमारे शख्सियत के एपिसोड में आज उपस्थित हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। और मैं आपको बता दूं शख्सियत का खास एपिसोड जो है पावर्ड बाय केएस फर्नीचर हाउस है। आज अब केएस फर्नीचर हाउस में सबसे पहले सर कैसा लग रहा है मेरे साथ ऊपर से? बहुत बढ़िया लग रहा है। और हुनरबाज से होके आए हैं, हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट करके आए हैं सर। वो जो आपने रैप मतलब आपका जो वायरल हुआ था ना, मतलब दिल तो हमारा दहल गया था। कैसा रहा पूरा सर, बताएं मुझे आपका एक्सपीरियंस हुनरबाज का। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, गुड भी था, बैड भी था, और इसमें जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। और उन्होंने जो भी मेरा गाना था देश का सिपाही, तो पहले तो मैंने वो पहला वर्स तो पहले का लिखा हुआ था, बट उनको चाहिए था कि इसमें थोड़ा और ऐड किया जाए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा जम्मू को लेके चला जाए, क्योंकि वो एक देश के सिपाही की कहानी थी, मतलब उसके जो इमोशन थे, तो उसका जो फील जो करता है वो चीज लिखी थी मैंने। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि चलो जम्मू के बारे में थोड़ा लिखते हैं, जम्मू कश्मीर का मैं सिपाही, महाराजा हरि सिंह जी का नाम लिया, बिल्कुल। तो वो उसी टाइम उसी दौरान मैंने बनाया, उनको सुनाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है डन। तो परफॉर्मेंस की, अच्छा पहले डन होता है? हाँ पहले गाना सुनाना, ऑडिशन में भी डन होता है पहले पीछे? हाँ, क्या पहले सब कुछ होता है, मतलब ऐसा सोचा नहीं था, बट उधर देख के कुछ और चीज पता चली मेरे को कि पहले प्रैक्टिस भी होती है, बहुत कुछ होता है, और फिर जाके मतलब रिकॉर्ड होता है, टेलीकास्ट कभी बाद में। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिसे आपकी वीडियो भी वायरल हुई थी ना, तो लोगों को बहुत पसंद आया था, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे हमारे, खासतौर पर जम्मू वाले, कहने थोड़ी सी एक चीज से नाराज भी थे,
क्योंकि आपने वहां पे कुछ मतलब पत्थरबाजी वगैरह वो बोल दिया था कश्मीर, तो कुछ लोगों ने बड़े सवाल भी उठाए थे, वो क्या था? मैंने जम्मू के लिए नहीं बोला था पत्थरबाजी, हाँ। मैंने कश्मीर के लिए बोला था, हाँ। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा हमारे साथ हुआ है उस टाइम पे जब 370 आर्टिकल गया था, जब उसको तोड़ा गया तो तब हमने खाए थे पत्थर, लेकिन अब तो हालात ठीक है बिल्कुल। लेकिन मैंने उनको ये चीज भी बोली थी उसमें, ये चीज भी थी कि अगर दो चार जो करते थे पत्थर मारते थे उनकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते ऐसा, तो वो चीज उन्होंने दिखाई नहीं, उन्होंने सिर्फ उतना उतना दिखाया जितना चाहिए था। एक तो मतलब मैंने मतलब बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस भी इस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि जो भी रियलिटी शो होता है उसमें टूडू वो कहानी चाहिए होती, तो कहीं ना कहीं मतलब इस बात पर भी सच्चाई है। चलो खैर इन सब चीजों को छोड़ो, अब देखो पुलिस वाला रैपर सुपरबॉय जीवन हमारे साथ है ना, अभी इनका भी मूड जो है ना इंटरव्यू देने का तब तक नहीं बनेगा जब तक ये एक रैप हमें ना सुना दे, मुझे पता आपका मूड उसी से आएगा, तो एक हो जाए जरा धार धार तेज तेज तर्रार कुछ। आपको किस टाइप का चाहिए? सर एक मैं पर्सनली बोलूंगा ना, मैं जम्मू के रैपर्स भी सुने, मैंने बाहर के रैपर, लेकिन जो आप सर मतलब आपकी लिखावट है ना मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब तक धी तक था जो बैठती है ना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, आप कुछ भी सुनाएंगे मुझे मजा आएगा। ओके तो मैं तो एक मोटिवेशनल रैपर हूँ, मेरा तो यही मकसद होता है कि अगला बंदा अगर मेरा गाना सुन रहा है तो उसे मोटिवेशन मिले, बिल्कुल इंस्पायर हो मुझसे। तो एक मैंने गाना था मेरा बताने की जरूरत नहीं करके, क्या बात है, तो उसकी मैं कुछ चार लाइंस बोल बिल्कुल जाता हूँ। मैंने बदला ये दौर, मैंने बदला माहौल, गैंगस्टर बैठे क्यों चुप सुन वर्दी का शोर, गुंडा गर्दी का जोर, जो लगे चलाने थे जो झूठ लिख रहे गानों में वो मेरे गाने पे दे गौर, मेरे फैंस हार्डकोर जो कल को बनेंगे रैपर्स, जो बदला लगे आज वो कल को लगेगा बेहतर, मैं मोटिवेशन देता कि ट्रबल को करो टैकल, मैं पावर भर रहा इनमें जैसे मैं डॉक्टर जैक ऑल पावर। क्या बात, रेफरेंस समझ आया आपको लास्ट वाला? डॉक्टर जैक ऑफ डॉक्टर जैक ऑल पावर, देखो ये रेफरेंस दिया मैंने, शक्तिमान देखते थे, अच्छा उसमें डॉक्टर जैक ऑल का एक होता था डायलॉग, वो क्या करता था पावर, ये रेफरेंस दिया, क्या बात है, मतलब 90s किड्स का, 90s किड्स समझ पाएंगे इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा आपका नाम मतलब जीवन है ना, JWEN, यस आपने जी वन कर दिया, ये ख्याल कब आया मतलब जी वन से करने का, जी वन कर देना? लाइक मेरे को था ऐसे कि थोड़ा सा ना रैपर वाला कुछ कूल होना चाहिए, हाँ। जीवन, हाँ। तो फिर मैंने जीवन कर दिया, मतलब अच्छा साउंड कर रहा था, इससे पहले तो मैंने बहुत भद्दा सा नाम रखा हुआ था, क्या था वो? हंटर, हंटर आई एम अ हंटर। तो वो बचपन में तब 9th 10th की बात है, तब जब रैप करना से शुरू किया था, हाँ। तब मैंने अपना नाम रखा था हंटर, हंटर हंटर आ गया, हंटर आ गया शिकारी ये, तो बाद में मेरे को लगा कि अच्छा नहीं कर रहा साउंड ये, तो फिर मैंने जीवन का जीवन कर दिया। रावण भी तो एक मूवी आई थी ना उसमें भी जीवन था, कहीं उसी के बाद तो नहीं हुआ ये? नहीं नहीं, हाँ। मतलब मेरा तो अपना भी ख्याल था कि जीवन से ज्यादा क्या बनेगा, जीवन ही बनेगा, तो फिर बाद में मैंने बड़ा सोचा कि इसका मतलब क्या हो सकता है, लाइक जीवन का क्या हो सकता है, तो कुछ कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई बोलता है गुड वन ग्रेटेस्ट वन, मैं सोचता हूँ कि गॉड इज वन, लाइक जी क्या बात है, ये नाम का मतलब मैंने पहली बार सुना, आप कौन से आज से पहले आपने बताया नहीं बताया वायरल हुई थी, आप रैप तो पहले से करते थे जैसे आपने कहा 9th 10th से, तो वो वीडियो किसने वायरल की थी आपको मालूम है? वीडियो सोशल मीडिया ने, और नहीं मतलब कोई खास शख्स जो आपको पता हो कि पहले इसने डाली थी? विक्रमजीत सिंह मन्हास, उन्होंने डाली थी, हाँ। क्या बात है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे, और बनाई किसने थी वो वीडियो? का क्या हुआ था कि मैं ड्यूटी से ऑफ था, और मैं पूरी बात बताता हूँ, एक्चुअली सीन क्या हुआ, पहले तो मैं पूरी बात बताता, बिल्कुल पूरी सुननी है हमने, ट्रेनिंग करने गया, ठीक है ट्रेनिंग करी बिल्कुल, अपना वापिस आया मैं, और मैं थोड़ा सा ना डिफॉल्टर भी बोल सकते हैं, लाइक ऐसा हूँ नहीं, ड्यूटी में टाइम पे देता हूँ, बट हो जाता है कई बार ऐसा, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, हो जाती है, तो लाइक तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे अपना काम भी करूं, क्यों, क्योंकि मेरे को ना रैप का पैशन है, तो उसके बाद ना मेरा फिर से एक कोर्स पड़ गया ट्रेनिंग का महीने का, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया मेरा, मैंने बोला यार मैं अभी ट्रेनिंग करके हूं, फिर से ट्रेनिंग ट्रेनिंग करूंगा मैं, टाइम कब दूंगा खुद को रैप करने का, तो वो फ्रस्ट्रेशन में मैंने रात को लिखा था गाना जॉर्डन, तो उसके बाद जैसे ट्रेनिंग करके वापस आया तो मैं बटालियन में था अपनी, तो मेरा फ्रेंड था उसी की गाड़ी में बैठे हैं, ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी नहीं थी, तो बाहर ही बैठे थे हम गाड़ी के अंदर, तो उसने बोला, मैंने उसको बोला यार मेरा ना मन कर रहा है यार कि मैं रैप करूं, तू वीडियो बना, हाँ तू वीडियो बना, होता है ना कुछ शायद, हाँ होती है वो, उसने बोला तेरे अंदर का लावा फटके बाहर आने दे, मैं फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा था क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ रैप रैप रैप, मेरे को टाइम मिलता था मैं सिर्फ रैप करता, मैंने बोला तू वीडियो बना, मैं देखना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस क्या हुई है अपने आप की, और मैं एक गाना लिखा है ये सुन, ये गाना लिखा है मैंने सुन, और उस टाइम मैंने सिर्फ लिखा था कोई 10 ही दिन हुए थे मेरे को गाना लिखे हुए, अच्छा
चार पांच दस दिन इतने ही हुए होंगे। तो उसके बाद फिर मैंने वो जब किया तो उसने वीडियो बनाई, उसने दो तीन गानों की बनाई थी, लेकिन हमने जब देखा देखा दोनों दिनों में से वो वाला ज्यादा पंप कर रहा था, उसी में गाड़ी में ही सुन रहे हैं। तो उसने बोला यार अच्छी बनी है वीडियो, यार बहुत सही लग रही है, ऐसा लग रहा है लिपसिंग कर रहा है तू, बोलते रियल लग नहीं रहा। मैंने बोला यार नहीं सही तो है, क्या किया जाए। तो वो बोलता कि कर देते हैं अपलोड। मैंने बोला यार नहीं यार यूनिफॉर्म में हूँ, दूसरा पंगा ना पड़ जाए कोई और, कोई दूसरा पंगा ना बन जाए, यूनिफॉर्म में मिले यार क्या करूँ मैं। तो बोलता कोई बात नहीं यार देख ले अब तेरी मर्जी है, कुछ नहीं होगा, अच्छा कर रहा रैप, अच्छा लग रहा है। बस पहले तो मैंने अपने इंस्टाग्राम से करा, उसने भी अपने इंस्टाग्राम से करा, फिर फेसबुक पे भी करा होगा, फिर पता नहीं चला कहाँ, मेरे से इतनी वायरल नहीं हुई है, लेकिन जो विक्रम भाई वहाँ पे बहुत सारे व्यूज आए, फिर आरवीसीजे पेज बहुत सारे पेज, फिर तो जितने भी मीमर्स हैं उन सब ने डाल दी वो वीडियो। तो फिर ऐसे ही वहाँ से वायरल हुए। क्या बात है, वो कहते हैं ना जब मतलब भगवान ने देता होता देना होता वो दे देते। बात और बोलना चाहता हूँ मैं, तब 2G चल रहा था, तब 2G खुला था सिर्फ, अरे तब भी जम्मू आए, क्या बात है, तब 2G था और मैंने वीडियो चढ़ाना शुरू करी थी, मेरे को 2 घंटे लग गए थे वो वीडियो अपलोड होते होते IGTV पे। फल मिला ना, फल 2 घंटे लगाए, फल मिला ना। वो दोस्त कौन था? दोस्त शुभम चाड़क, वो विश्वास सही है। अच्छा क्या बात है। अच्छा उसके बाद तो आपकी लाइफ मतलब ड्रास्टिक अचानक से इतना सारा चेंज आ गया, रफ्तार ने कमेंट कर दिया आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर, बड़े बड़े रैपर्स ने, तो वो जब मतलब एक आम बंदा मतलब नॉर्मल पुलिस में रैप करता है, जब उसके सामने इतने बड़े बड़े बंदे मतलब कमेंट करने लगे, वो फीलिंग बताओ मेरे को, दिल से बताना मतलब क्या था वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था। जब मैं तीसरे दिन की बात है, मतलब वीडियो ऐसा चढ़ रही है और पेजेस पे चढ़ रही है, टैग्स बज रहे हैं मेरे को, सब कुछ हो रहा है। तीसरे दिन ना मेरे को किसी ने मेरे को कॉल करके बोला, मेरे दोस्त ने, भाई तेरे ना उस पर कमेंट आया रफ्तार का। मैंने बोला नहीं यार झूठ मत बोल, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, हर सेकंड के बाद कमेंट्स आ रहे हैं, कितने ब्लू टिक वाले थे, कितने मतलब सेलिब्रिटी थे। तो जैसे रफ्तार का आया मैंने चेक करा और मैंने चींक मारी थी भाई उस टाइम, कैसे कैसे एक इधर भी मारेंगे, बट सॉरी अभी नहीं, बट मैंने चींक मारी थी और मम्मा मेरे को देखते हो क्या गया तेरे को, मैंने बोला रफ्तार ने कमेंट किया है कोलैबोरेट के लिए बोला है मेरे को। तो बाद में देखा मैंने डीएम चेक करा तो उधर मैसेज भी आया था, नंबर डाला हुआ था अपना पर्सनल, हाँ पर्सनल नंबर ये लिखा नहीं है। अच्छा चलो हाँ, फिर तो बस फिर आगे आगे फिर सबने कमेंट्स करे थे, इवन की विशाल ददलानी सर, हाँ उनका कमेंट भी आया था, कनिका मैम, कनिका कपूर, तो वो भी हाँ। तो उनसे चलती रहती है बात चार दिन से, बाकी देखते हैं काम कब आता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा फील आया होगा ना कि यार आता ही है कि वायरल हो गया मैं, अब तो सेट है सब, अब तो हो जाएगा, अब तो रैप कुछ चल पड़ेगा मेरा, क्योंकि अब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आया था फील, आता है उसके बाद। तो आपका KDM के साथ भी टाइप हुआ राइट, काली काली दुनाली म्यूजिक, कौन है वो? हाँ जी कौन है वो काली दुनाली म्यूजिक, ये कौन सा दल है भाई ये? आपने नहीं ज्वाइन किया था शायद से, पता नहीं यार मेरे को भूल गया वो चीज है, मतलब उस बारे में बातचीत नहीं करेंगे हम, कर सकते हैं लेकिन बात यही होगी कि जो हारे हुए लोग होते हैं ना वो दूसरों का सहारा लेके रिवाइव होना चाहते हैं, तो क्यों ही करनी है उनकी बात। नहीं सही बात है, लेकिन एक चीज पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, मुझे पर्सनली मतलब टच भी हुई थी एज एन आर्टिस्ट, आपने ना एक स्टोरी चढ़ाई थी उसके बाद, जब KDM के साथ आपका जो भी हुआ था फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, एक स्टोरी चढ़ाई थी जिसमें आपने लिखा था कि मैं टीम का हिस्सा था लेकिन आज तक कभी टीम लीडर से नहीं मिला, #IAMRealBohemian IAMReal ऐसे करके आपने एक स्टोरी चढ़ाई थी। हाँ मिलना इन द सेंस कि देखो दूर है तो एक फोन ही जरिया होता है, वहीं पे तो बंदा मिल सकता है ना, अगर टीम का हिस्सा है तो। पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बात बहुत डीप होगी और लेकिन समझदार समझते हैं इस चीज को, जिस किसी के पास एक ओहदा होता है ना लाइक, और जहाँ कोई बन गया होता है तो शायद उस, देखो बहुत सारे परसेप्शन है, या उसको यकीन नहीं होगा मेरे पे ठीक है, या वो मेरे को दिखाना चाहता था कि इसको पहले थोड़ी देर के लिए मैं लटकाऊं, इससे मैं बात ना करूं, लाइक इतनी आसानी से ना मिलूं, है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई इंपल्सिव था मैं, और अब मैं सही गलत की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इंपल्सिव था, मैंने सीधा बोला कि मैं नहीं रह रहा, क्योंकि कंट्रोवर्सीज बहुत बन गई थी उस टाइम पे, तो मेरा करियर स्टार्ट हो रहा था इस चीज में, बिल्कुल, तो मैं नहीं चाहता था कि कंट्रोवर्सी लेके चलो, लेकिन देखो किस्मत क्या, आज भी नाम जुड़ता ही है उसके साथ, बिल्कुल अभी भी जुड़ी, लेकिन फिर भी ठीक है, इंडिपेंडेंट बन रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मेरे लिए, मेरी फैमिली मेरी पुलिस है, क्या बात है, उसी की वजह, क्या बात, उसी की वजह से मैं बना हूँ, क्या बात है, क्योंकि जब तक मैं रैप कर रहा था तब तक इतना कुछ नहीं था, लेकिन जब ये वर्दी पहन के रैप किया, जब मैंने वर्दी लाई, जब वर्दी मैंने पहनी कमाई, उसके बाद जाके मुझे इतना प्यार मिला, और एक पुलिस वाला रैपर जो इंडिया में ही है सिर्फ, ये नाम आपने नहीं ना दिया खुद को, ये मैंने खुद को नहीं दिया, ये सबसे बड़ी बात होती है ना,
तो ये पहली बार आपको कब पता चला कि पुलिस वाला रैपर मेरे को नाम दिया गया? किसने बताया? मेरे को ना डीएम आया था एक लड़के का, तो उसने मेरे को बोला भैया आप पुलिस वाले रैपर हो, मेरे को अच्छा लगा। मैंने बोला वो तो हैशटैग पुलिस वाला रैपर और अपना यूजर नेम भी चेंज कर दो, ये वो मैंने कर दिया उसी को। अच्छा सजेशन ऑलवेज वेलकम है ना, क्या बात है। अच्छा तो जैसे कि आपने कहा कि पुलिस ही मतलब असली फैमिली है, तो जब फर्स्ट टाइम आपका वो वीडियो वायरल हुआ था गाड़ी में बैठने के बाद मिलियंस में व्यू आए, तो आपकी पुलिस महकमे में क्या था, उसके बाद कुछ बदलाव आया? पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि मतलब कि मैं कैसे बताऊं आपको, जो सीनियर ऑफिसर थे ना, जो मतलब जो अपने सब इंस्पेक्टर तक हो गए है ना, तो उनको लगा पता नहीं इसने क्या ही काम कर दिया, सारे बाल गलत, कर रहे हैं। गलत कर गए नहीं। अच्छा, हाँ। तब जो स्टार्टिंग के दिन थे, इंटरव्यूअर जो कॉल्स कर रहे हैं, हाँ। सब जो चैनल्स के नाम जो कॉल्स कर रहे हैं वो है ना, तो मेरे को तो पहले तो मतलब ठीक ठाक डांट पड़ी फोन पे, बाप रे कि तेरे को बुलाया गया तेरी पेशी है, तो मैं डर गया। मैंने बोला पता नहीं, लेकिन जब मेरी पेशी हुई तो सर ने मेरे को इतना मतलब प्रेस करा, मेरे को सपोर्ट करा, उन्होंने मेरा रैप सुना, उन्होंने बोला यार तू कहाँ था, कहाँ छुपा था तू, दिखा क्यों नहीं आज तक? वो सर बहुत मेरे को मतलब मैं नाम लेना चाहता हूँ, शरीफ चौहान सर, वो सीईओ है हमारे, एसएसपी राजौरी से हैं वो, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को और मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या बात है, अब आपने थोड़ी सी मेरे को ना वाइब दे दी है पुलिस महकमे वाली, वो पुलिस वाली वर्दी वाली, तो अब एक खड़का दो एक पुलिस वाला रैप वही गा दो ना जम्मू वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दुश्मन दूध मांगेगा तो उसे खीर देंगे, पर आंख उठाकर जो देखेगा उसे छील देंगे, बंदूक लेके खड़ा मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही, जैसे महाराजा हरि सिंह जी लड़े लेके शमशीर, आजा जम्मू कश्मीर, खड़े हैं शूरवीर, है इंडियन आर्मी खड़ी, जेके पुलिस भी, हम सबका मकसद है एक अमन और शांति, शहादत होगी ना जाया होंगे हालात ठीक, वेलकम टू सिटी ऑफ टेंपल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ, आई एम टेलिंग यू ऑल, ऐसा भी आएगा वक्त हर एक गाएगा शख्स एक दिन के नारा हमारा, भारत माता की जय, जय हिंद। क्या बात है यार, जब ये आपने मतलब टीवी पे भी गाया था ना, हमने भले ही वीडियो में देखा था, गूज़बम्स हमारे रियल थे मतलब कसम से, और जब रियल में सामने बैठ के गा रहे हो तो कसम से वो जो फील है ना वो अलग लेवल का है। तो जब आपको मतलब हुनरबाज से भी होके आगे इतना सारा मतलब टीआरपी भी मिलने के बाद आ गया, कभी ऐसा फील आया आपको जब मतलब इंस्टा पे भी डीएम्स आने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, ब्लू टिक वाले मैसेजेस आने लगे, तो कि यार फैन मोमेंट अब आ रहे हैं, अब कुछ शायद मतलब अब मैं पुलिस वगैरह शायद थोड़ी सी साइड कर दूं या फिर रैपिंग की फील्ड में आगे आ जाऊं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं मतलब ऐसा अभी नहीं मतलब आएगा अभी क्या हूं, अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, अभी कुछ भी नहीं मिला है मेरे को, ये तो एक छोटी छोटी मतलब एक कदम आगे चल रहा हूँ मैं, तो अभी तो कदम मेरे को सीढ़ी तक भी पहुंचना, अभी सीढ़ी भी नहीं चढ़ी मैंने, अभी तो मैं चल रहा हूँ सिर्फ, अरे अभी सीढ़ी पकड़नी है, सीढ़ी चढ़ूंगा अभी बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार ही मेरे को पुलिस से मिलता है, वर्दी से मिलता है, और मेरी जो कला है ऐसे तो पुलिस वाले बहुत हैं, ऐसे रैपर्स भी बहुत हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन है बिल्कुल बिल्कुल, कि एक पुलिस वाला और एक रैपर, तो फिर ऐसे कैसे मैं मतलब करूं कि मैं इनडायरेक्टली, मैं यही आपके मुंह से सुनना चाहता था, मैं आपकी सोच क्या, लेकिन सीरियसली बहुत ही प्यारी सोच है आपकी, और इसी सोच को और आपके टैलेंट को मैं सल्यूट करता हूँ। अच्छा अब मेरे को ये बताओ ये लफ्ज आते कहाँ से, ये राइमिंग बनती कैसे, कितने ही लफ्ज होते हैं, मैं कभी कभी मैं भी ये सोचता हूँ, कभी मैं भी लिखता हूँ ना, तो मैं यार ये राइमिंग कितना ही करेगा बंदा, कितना ही हो जाएगा, ये कहाँ से आ जाता है, ये आमद होती है, फिर भी कैसे मतलब कोई प्रोसीजर है इसका या कुछ स्पेशल माहौल में बैठना पड़ता है? सबकॉन्शियस माइंड होता ना, तो जिस बंदे ने रैप इतना सुन लिया हो बचपन से ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें होती है, हम सीखने पर जाएंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारे उस माइंड में बैठी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, अवचेतन मन है, केड़ा अवचेतन मन, पता नहीं आप ही हो ऐसा कुछ होता है, तो मैंने ये चीज पढ़ी भी, ये चीज मैंने जानी भी थी कि देखो कई बार हम बैठे होते हैं ऐसे वाइब आ जाती है हमें, हाँ निकल जाता है कुछ है, कुछ भी निकल जाएगा अपने आप मुंह से होता है, तो वो ऐसे आमद बोल लो कुछ भी बोल लो कुछ उस तरह से, बाकी रैप बहुत सुना हुआ है बचपन से तो वो बैठ गया हुआ दिमाग में, अब मेरे को पता है कि हाँ यहाँ पे कैसे राइम करना है, कैसे वर्ड्स फिट करने हैं, कैसे फ्लो लाना है। ये एक ना एक वो भी टर्म है कि मैंने देखा था रोडीज के ऑडिशन में भी, एक रणवीर पाजी करके जो कि ना क्विक रैप इंस्टेंट रैप करते हैं, आप कोई भी लफ्ज दे दो क्विक उसी पर रैप बन जाता है, ऐसा कुछ ट्राई किया आपने लाइफ में कभी? आप दे दो कोई वर्ड पक्का मजा आ जाएगा, ठीक है शुरू करें, आप शुरू करोगे मैं वर्ड दूंगा या शुरू वर्ड से ही होगा? नहीं आप वर्ड से शुरू करें, ठीक है पहला बकलोल, भाई ये तो वर्ड मत बोल मुझे पता है तू बकलोल, जनता मेरे पास गाड़ी नहीं है जिसका मैं बोलूं कि ऊपर वाला छत खोल, जनता जनता अपना क्या जाता नहीं है, सॉरी वो फिर ना थोड़ा सा वो वाइब में आ जाऊंगा, वाइब हाँ आंदो 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 कुछ भी निकले तो मुंह से चलेगा, फिर से करो फिर से करो बकलोल, भाई ये तू मत बोल मुझे पता है तू बकलोल, मेरे पास गाड़ी नहीं है कि जिसका मैं बोलूं कि ऊपर वाला छत खोल, जनता वाला वर्ड बोल, जनता।
चलेगा चलेगा, इट्स ओके बीप। हाँ देखो जनता, जनता शरीफ है ठीक है। यार मेरे को ना वो चीज आ रही है, वो वाला शरीफ समझता हूँ मैं, इट्स ओके कुछ भी बोल सकते हो, चलो ओके। खुशी, कभी खुशी कभी गम बोले भम भम आंदो। हाँ कभी खुशी कभी गम बोले कन्हैया कन्हैया, अरे अरे सैया या भैया मैं क्या बोलूं, या तू इतने भैया क्या बात है। नहीं नहीं ट्रेलर हमें पता लग गया, बहुत अच्छा इंस्टेंट क्विक रैप भी कर सकते हो, ये हम ऑफ कैमरा खेलेंगे, मेरे को मजा आ रहा है। बट अब ऑडियंस कह रही होगी खुद मैं चाय पी रहा हूँ, ये नहीं पी रहा, आप क्यों नहीं पी रहे यार? जनता वाला वर्ड क्यों चुना आपने, आपको पता राइम किसके साथ करता है वो? तभी तो चुना मैंने तभी तो चुना मैंने कि जनता से कुछ राइम करता हुआ है, शुक्र करो मैंने चूड़िया नहीं बोला। चाय चाय भी कह रहा था, चाय पी लेते हैं, चाय मेरी ठंडी हो चुकी है, ठंडी दूसरी मंगा लेते हैं हम। और पकोड़े आप खाते हैं वैसे? Yes. अच्छा जब आप मुंबई वगैरह में गए उधर क्या कहते हैं, पकोड़े वगैरह मिलते हैं? बड़ा गंदा सा सवाल है। अच्छा लगा मेरे को, सही था। अच्छा ये जो मतलब जैसे कि आप भी रैप करते हो, सिंगर्स का मैंने बड़ा सुना है, पता नहीं कौन सी चाय पीते हैं कौन सा पानी पीते हैं, आपको कुछ ऐसा है? भाई हम तो देसी बंदे कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, है? चलता है। अब तो ड्यूटी भी करनी होती है, जब कुछ मिल जाए तो खा ही लेते हैं, हमें क्या है मतलब इतना कुछ नहीं है। और मैंने इनका नोटिस किया, मतलब इनकी जो घड़ी है वो भी मतलब यूनिफॉर्म वाली है, पुलिस वाली है, ये स्पेशल मैचिंग मैचिंग में नहीं है। हाँ कैमोफ्लेज थोड़ी सी, मतलब मेरे को था ना कि आर्मी में जाने का शौक था, तो आर्मी में नहीं हुआ तो पुलिस में आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा लगाव है इन चीजों से। तो जैसे पुलिस में हो आप, तो कभी बंदूक वगैरह का मतलब होता है, कभी मौका मिलता चलाना क्या है? अभी तक तो कभी ऐसा मौका नहीं आया चलाने का, बाकी हाँ ट्रेनिंग में चलाई हुई है और उसमें भी टॉप भी करा हुआ है। आपकी जो ड्यूटी रहती है वो ड्यूटी क्या रहती है, मैं चाहता हूँ एक बार बताओ जरा खुल के। हमारी ड्यूटी होती है सिक्योरिटी वाली, हो गई फ्रिस्किंग हो गया किसी मेन जगह पे, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। कितने घंटे खड़े रहने पड़ते? ड्यूटी हमारी 24/7 है, कुछ कह नहीं सकते, तो हमेशा खड़े ही रहना। ये मैंने क्योंकि मैंने पर्सनली नोटिस किया, जब भी मैं देखता हूँ मुझे पर्सनली मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब आपको मैंने देखा हमेशा खड़े ही रहना होता ड्यूटी में, बैठने का मतलब अगर बैठ गए तो नहीं, अगर दो तीन हो तो एक आधा बैठ भी सकता है क्योंकि इंसान ही है, तो बाकी ये है कि अगर अकेला हो बंदा तो खड़ा ही रहना पड़ता है, खड़ा ही रहना पड़ता है, तो फिर खड़ा ही रहो। क्या बात है, तो कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि अब तो यार हुनरबाज से होके आ गया हूँ मैं, अभी भी खड़ा रहूंगा? नहीं एक्चुअली मैं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा कल्चरल टीम है हमारी पुलिस में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा उसमें हो जाए, और मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो हो जाएगा कल्चरल, तो फिर मैं कल्चरल में चल जाऊंगा, फिर म्यूजिक को लेके मैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ एक्चुअली क्योंकि मैंने हुनरबाज में भी एक टीम देखी थी जो शिमला से आई थी, वो कल्चरल टीम थी और वो पूरा म्यूजिकल था, और अगर आप इतने टैलेंटेड है तो आपका फिर कल्चरल में ही होना चाहिए क्योंकि आप फिट ही वहीं बैठते हो मेरे हिसाब से, है ना? तो अच्छा जब क्या कहते हैं कभी जब ड्यूटी चल रही होती है, जैसे आपने कहा दो तीन लोग अगर हो गए तो वो जब बोर हो जाते, तो कभी आपको क्या जीवन यार रैप ही सुना दे मैं बोर हो रहे हैं चाय के साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ बोलते हैं कभी कभी, सुनाते हो फिर? सुना देता हूँ फिर क्या करना है, रैप फिर और बोर हो जाते हैं वो नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपका रैप सुन के कौन ही बोर हो सकता है, मतलब ऐसा होता है ना दोस्त यार में, या तो रैप सुना दिए, रैप नहीं सुनाना गफे सुना दिए, तो आप क्या सुनाते हो फिर? सुना देता हूँ रैप भी सुना देते हो, चलो फिर हम भी ये रैप सुनेंगे। मेरा पर्सनल फेवरेट है आपका, जो कि शायद से मैंने वो वायरल वीडियो के बाद पहली बार आपने जो निकाला जम्मू मेरी सिटी ब्रो, है ना, वो वायरल वीडियो के बाद पहला आपका ऑफिशियल सॉन्ग था शायद से? वो नहीं था, वो था दे डोंट नो था। हाँ बट जम्मू मेरी सिटी ब्रो मेरा फेवरेट है, हमारे जम्मू वाले भी वाइब करेंगे उसके साथ, तो हो जाए। मैं कॉप हूँ रियल और ये फेक थग हैं स्ट्रीट्स में, मैं खुद के दम पे और ये पल रहे हैं बीफ पे, करी है मेहनत कड़ी तभी मैं आया पुलिस में, अब वाइट जीप में आऊँ तो लौंडे भाग रहे हैं स्ट्रीट से, ये करते काम जो आज वो करके छोड़े हैं, ये डरते असल में और गानों में होते चौड़े हैं, ये बनते तेज अकल के दौड़ाते घोड़े हैं, थोड़े जो भी हैं उछले उनके लगने वाले। चल हाँ समझ गए क्या बात है ये यार ये मैं यही कह रहा हूँ, ये जो राइमिंग गेम है ना इनकी, ये राइमिंग गेम बहुत तगड़ी है। अच्छा जब आप हुनरबाज में गए, करण जौहर जी जैसे परिणीति चोपड़ा है ना, तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। ऑन कैमरा तो हमने देखा, ऑफ कैमरा कैसा रहा? ये खामोशी का मतलब हम क्या समझे जानी? समझने वाले समझते हैं। देखो क्या होता है, ऑन कैमरा ही होता जो होता, ऑफ कैमरा कुछ नहीं होता।
मतलब वो जो जय हिंद वह हिंद खड़े होके बोल रहे थे, मैंने देखा था, तो मैं तो क्या मेरे से क्या सुनना चाहते हो कि स्क्रिप्टेड था वो? हाँ था यार, ये रियलिटी शोज की कहानी अब क्या ही कहूँ मैं, लेकिन सीरियसली देखो मैंने एक्सपीरियंस करना था, मैंने कर लिया, अब देखते हैं। बाकी हिप हॉप तो करते हैं, उसमें तो सच्ची बोला जाता है। हाँ तो मैं चाहता हूँ एक्चुअली ये हिप हॉप की अलग से पढ़ाई होती है क्या? नहीं नहीं वो कल्चर है एक, है ना, क्योंकि मैंने जितना भी देखा ना, अगर रैपर्स को भी आपस में लड़ते हुए देखा तो हिप हॉप के ऊपर लड़ते हुए देखा है, ये क्या है मेरे को समझाओ थोड़ा सा। हिप हॉप वो है कि आप जो जी रहे हो ना, आप वो चीज लिख रहे हो और अगले बंदे को प्रेरणा दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो वो हिप हॉप है। हिप हॉप में ना पांच वो हैं, एमसिंग, ग्रैफिटिंग, ये जो डांस का भी है, और दो और हैं हमें कोई याद नहीं आ रहा। तो पांच चीजों को मिला के ना ये एक हिप हॉप कल्चर बना है। तो कई लोगों ने मिथ बनाया हुआ कि हिप हॉप सिर्फ गन कल्चर है, ये चीज है, सुट्टा बुट्टा, ये जो नशों के पदार्थों का नाम लेते हैं, सिर्फ हिप हॉप ये है। क्या बात है, और सबको माल नहीं बेचना है ब्रो, सबको नहीं करना ये सब। क्या बात है, किसी को अपना फैमिली भी देखनी है, किसी को कुछ करना है, तो क्या हम हिप हॉप नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो एक चीज लाइक, अब मैं एक रैबल हूँ, रैबल इस हिप हॉप का, अगर हिप हॉप ये चीज है कि अगर उसमें सिर्फ नशा गन कल्चर यही होता सब कुछ, तो फिर तो हम बगावती हैं भाई, तो हम बगावती हैं भाई, हम रियलिटी दिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे सिंगर्स देखे, ऐसे ऐसे बंदे देखे जो अपने गानों में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब असल में बात आती है तो फिर खाकी आती है। क्या बात है, क्या और फिर जब खाकी आती है तो फिर बोलती बंद हो जाती है। चलो क्या बात है, बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बातचीत करके, रैप भी सुने, आपकी लाइफ स्टोरी भी सुनी, और सबसे मुझे मतलब पसंदीदा बात ये लगी कि इनको मालूम है मैं निकला कहाँ से हूँ, पुलिस ने मुझे बनाया है, और उस चीज से ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर प्यार करते हैं तभी ये आगे और बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आपको भी। बहुत मजा आया, बहुत। सो सुपर बॉय जीवन थे आज हमारे साथ, पुलिस वाले रैपर, और द शख्सियत के इस खास एपिसोड में जिसको पावर्ड बाय किया है केएस फर्नीचर हाउस मुट्ठी। अगर आपको भी कुछ भी खरीदारी करनी है, किचन की एक्सेसरी से लेकर घर का सामान, तो केएस फर्नीचर हाउस मुट्ठी जरूर विजिट करें, और इसी के साथ अलविदा लेंगे। साइनिंग ऑफ एंड ऑन की